नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे अगर आपके किसी वीडियो का अगर कोई कॉपी करता है और सेम वीडियो अपलोड कर देता है यूट्यूब पे दोबारा, तो कैसे आप उसके वीडियो को जो है सो टेक डाउन कर सकते हैं, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम ऐसा वीडियो ढूंढेंगे जो मेरे चैनल से जो है सो मतलब जो कॉपी किया गया हो, और मुझे पता है एक वीडियो मैंने देखा था यूट्यूब पर, एक्चुअली में वो मेरे दोस्त का ही वीडियो है। और हम ये एक कॉपीराइट स्ट्राइक सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपको बता सके कि कैसे लगाया जाता है। वैसे हम उसको कॉपीराइट स्ट्राइक फिर हटा लेंगे, वापस ले लेंगे, क्योंकि वो वीडियो मेरे सहमति से अपलोड किया गया है। तो पहले जो है सो एक चैनल ढूंढना है जिसका नाम है TDC, TDC नहीं द ड्रामा कंपनी, एक्चुअली मेरे बच्चे लोग का चैनल है और वो लोग जो है सो मेरा एक वीडियो जो है सो अपलोड किया था, जो कि हम लोग मिल के बनाए थे एक्चुअली में। तो मिल के बनाए थे तो डिसाइड हुआ था कि हम दोनों जो है सो अपलोड करेंगे अपने अपने चैनल पे, लेकिन मैंने अपलोड कर दिया पहले और वो अपलोड किया बाद में, तो इसलिए जो है सो मैं चाहूँ तो उसके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक लगा सकता हूँ, लेकिन ये बस एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए होगा। तो जो है सो हम स्ट्राइक पूरी तरीके से नहीं लगाएंगे, स्ट्राइक लगाएंगे नहीं, बस आपको दिखाएंगे कि कैसे लगा सकते हैं आप स्ट्राइक। तो ये रहा वो TDC नेटवर्क करके है, बच्चे लोग का चैनल, 45 वीडियो है। एक स्ट्राइक हम ऑलरेडी लगा चुके हैं इसके चैनल पे, बस चेक करने के लिए कि लगता है या नहीं, क्योंकि उससे पहले हमको पता नहीं था कि एक्चुअली में स्ट्राइक जो है सो लगने के बाद जो है सो मतलब एक्चुअली ये तो पता था कि स्ट्राइक लगने के बाद क्या होता है, उसको सॉल्व कैसे करना है, लेकिन ये नहीं पता था कि स्ट्राइक लगाते कैसे है, क्योंकि कभी लगाए नहीं थे। तो ये तीन वीडियो है, ये और ये और ये, ये तीनों वीडियो जो है सो दोनों चैनल पर अपलोडेड है, मेरे चैनल पे भी और ये इसके चैनल पे भी। तो ये वीडियो पे ऑलरेडी हम कॉपीराइट स्ट्राइक लगा चुके हैं, तो अब हम इस वीडियो पे लगाएंगे। क्या हो गया इसको? ये प्ले हो गया वीडियो, ये वीडियो है। अब क्या करना है आपको, पहले तो आप वो वीडियो ढूंढ लिए जिस वीडियो को आपको कॉपीराइट स्ट्राइक लगाना है, क्योंकि वो कॉपीड वीडियो है। अब दूसरा चीज़ करना है कि अपना वो वीडियो ढूंढना है जिसमें कि मतलब अपना वो वीडियो ढूंढना है जो कि मतलब जो कि कॉपी किया गया है। तो दोनों वीडियो ढूंढना है, एक जो कोई कॉपीड वीडियो है वो, और एक अपना वीडियो सेम टू सेम। तो अपने चैनल पर हम गए और उसके बाद जो है उसके बाद वीडियो पर, उसके बाद वो वीडियो हम ढूंढेंगे। बहुत सारा वीडियो है मेरे चैनल पे ना, इसलिए जो है बहुत वीडियो है मेरे पास 400 के आसपास वीडियो है, तो इसलिए जो है सो थोड़ा टाइम लगेगा, रुक जाइए अभी। बस पहुंच गए, इसके बाद ही है। यहीं पे कहीं पे होना चाहिए वीडियो, हाँ ये रहा। तो यही यही वो वीडियो है, देख लेते हैं अभी कौन सा वीडियो है। यही है वो वीडियो, होली चुतियापा करके है, यही वीडियो है जिसका ये कॉपी किया गया है। तो पहले अपना वीडियो, उसका वीडियो ढूंढ लिए और उसके बाद अपना वीडियो ढूंढ लिए, उसके बाद सिंपली पॉज कर देंगे वीडियो को, और उसके बाद जाएंगे इस वीडियो पे जिस वीडियो को कॉपी स्ट्राइक लगाना है, उसके बाद यहाँ पे एक 3 डॉट दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ जाता है रिपोर्ट वीडियो, उसमें आ जाता है सेक्सुअल कंटेंट, वायलेंट, रिपल्सिव कंटेंट, हेटफुल, अब्यूजिव, चाइल्ड डेंजरस एक्ट, चाइल्ड अब्यूज, प्रमोट टेररिज्म, स्पैम, मिसलीडिंग, इन्फ्रिंग माय राइट, और कैप्शन न्यू इशू। इसमें से जो भी इशू है आपका वो सेलेक्ट करना है, लेकिन अभी हम लोग को कॉपीराइट स्ट्राइक लगाना है, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे इन्फ्रिंग्स माय राइट, उसके बाद चूज वन में क्लिक करेंगे इन्फ्रिंग्स माय कॉपीराइट, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। एक नया टैब खुलेगा, सबमिट। यहाँ पे जो है सो इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आप जो है सो फेक कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं लगा सकते, जिससे कि आपका चैनल भी बंद हो सकता है अगर आप किसी किसी पे जो है सो फेक लगाइएगा कॉपीराइट स्ट्राइक। तो
तो यही है यहाँ पे लिखा हुआ बेसिकली, अगर आप चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे सबमिट कॉपीराइट कंप्लेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अबाउट दिस पेज पे ये पेज आएगा, उसमें ये पेज ये कंफर्म करता है कि आप कोई रोबोट नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना आई एम नॉट अ रोबोट, और ये रिकैप्चा है, और जो है सो ये कैप्चा जो है सो उसके बाद रिडायरेक्ट कर देगा यहाँ पे कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन पे। उसके बाद यहाँ पे इशू दिख रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारा इशू है, जैसे इन अप्रोप्रिएट कंटेंट आई अपियर इन दिस वीडियो विदाउट परमिशन, एब्यूजिव हैरेसमेंट, समवन अटैकिंग मी, प्राइवेसी, ट्रेडमार्क इन्फेमस, कॉपीराइट इन्फेमस और अदर लीगल इशू। इसमें से जो भी आपको सेलेक्ट करना है कर सकते हैं, लेकिन मेरा अभी सेलेक्ट करना, क्योंकि हमारा कॉपीराइट किया गया है, मतलब मेरे वीडियो कॉपी किया गया है, तो हम सेलेक्ट करेंगे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट जो भी है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कॉपीराइट इन्फेमस हु इज़ अफेक्टेड, तो अगर आपका कंपनी इफेक्ट हुआ है तो आप कंपनी लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन और क्लाइंट लिखेंगे, अनदर कॉपीराइट ओनर लिखेंगे, तो यहाँ पे अनदर कॉपीराइट ओनर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अगर आप हुए हैं इससे इफेक्ट तो आई एम लिखेंगे, और यहाँ से हम हुए हैं तो आई एम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे यूआरएल देना है उस वीडियो को जिस वीडियो को रिमूव करना है, तो इसलिए ये वीडियो यहाँ पे जो वीडियो जिस वीडियो पे आपको कॉपीराइट लगाना है उस वीडियो का लिंक कॉपी कर लेना है सिंपली, और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और उसके बाद नीचे सेलेक्ट करना है प्लीज सेलेक्ट वन डिस्क्राइब द वर्क इन्फ्रिंजमेंट, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सिंपली बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तो उसमें से सेलेक्ट करना है माई यूट्यूब वीडियो वॉज री अपलोडेड टू अनदर यूज़र, यही सेलेक्ट करना है, बाकी सब दूसरा है, माई नेम, ओरिजिनल सॉन्ग, सॉफ्टवेयर, आर्ट वर्क, ये सब, लेकिन आपका जो है सो वीडियो री अपलोड किया गया है चूंकि, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कि माई यूट्यूब वीडियो वॉज री अपलोडेड टू अनदर यूज़र, यही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाएगा आपके ओरिजिनल वीडियो का जो है लिंक डालना होता है, तो ये आपका, इसलिए हम आपको ओरिजिनल वीडियो को लिंक खोलने के लिए पहले ही बोल दिए थे, उसका लिंक कॉपी कर लेना है बेसिकली, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका इंटायर वीडियो कॉपी किया गया है तो आप इंटायर वीडियो पे कॉपी क्लिक करेंगे, और टाइम लैप्स कहीं से कहीं तक क्लिक किया गया है तो टाइम लैप्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद टारगेटेड वीडियो में कहाँ से कहाँ तक क्लिक किया गया है वो क्लिक करेंगे, और जिस वीडियो में जो सोर्स वीडियो है उसमें कहाँ से कहाँ तक कॉपी किया गया है वो जो है सो टाइम जो है इसमें भर देंगे, और उसके बाद कस्टम थंबनेल कॉपी किया गया है तो कस्टम थंबनेल पे क्लिक करेंगे, लेकिन फिलहाल इंटायर वीडियो है तो इंटायर वीडियो पे क्लिक करेंगे हम। उसके बाद आ जाता है कि उसके बाद आ जाता है ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको भरना है, इसमें प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है जैसे कि योर लीगल फुल नेम, योर स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, प्रोविंस, जिप कोड और कंट्री, ये फैक्स, ये सब वगैरह वगैरह, और इसमें जो है सो कॉपीराइट ओनर नेम का जो है फुल नेम भरना है यहाँ पे, और यहाँ पे अथॉरिटी में कंप्लेंट पूरा। उसके बाद सेकेंडरी ईमेल एड्रेस चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन प्राइमरी ईमेल एड्रेस ये है जिससे आपका अकाउंट बना हुआ है, मेरा यही है, अगर आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो इसी ईमेल से हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अथॉरिटी टू मेक कंप्लेंट में आप यहाँ पे कौन होते हैं ये कंप्लेंट करने वाले वो लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे ओनर, ओनर हम लिखे तो ओनर। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, तो नीचे में जनरली सब में आपको चेक करना है, सब में आपको चेक करना है, चेक करते जाना है, चेक करते जाना है, चेक करते जाना है, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बेसिकली सब में आपको चेक करना है। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है, और उसके बाद सबमिट कंप्लेंट कर देना है, और इतना ही करना है, उसके बाद जो है सो आपका कंप्लेंट चला जाएगा, बस इतना ही, यही लास्ट स्टेप था, इसके बाद जो है सो कंप्लेंट चला जाएगा। उसके बाद का प्रोसेस बता देते हैं, उसके बाद आपको ईमेल आएगा कि कंप्लेंट चला गया है। उसके बाद जो है सो अगर यूट्यूब टीम से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा उनको, तो वो जो है सो आपको ईमेल करेंगे, उनको शक होगा कि आप अगर गलत थी कॉपीराइट जो है सो डालना चाहते हैं वीडियो पे, तो वो जो है सो आपको ईमेल भेजेंगे, और अगर आप उस ईमेल का रिप्लाई नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट टर्मिनेट भी किया जा सकता है, तो इसलिए गलत जो है सो कॉपीराइट किसी पे नहीं लगाइए, गलत अगर डालिएगा तो फिर जो है सो आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ सकता है, या आपका अकाउंट भी आप खो सकते हैं। और अगर आपका जो है सो अगर सही है कॉपीराइट, तो जो है सो वो जो है सो आपको एक ईमेल भेजेगा कि बेसिकली आपका जो है सो कॉपीराइट जो है सो क्लेम किए थे वो जो है सो बेसिकली हो गया है, वो वीडियो टर्मिनेट कर दिया, डाउन कर दिया गया, टर्मिनेट नहीं डाउन, हाँ वही बेसिकली सेम चीज़ हो जाता है। इतना हो गया, हम यहाँ पे फिलहाल इसको हटा लेते हैं क्योंकि हमको जो है सो कॉपीराइट नहीं लगाना है।
उसके बाद जो वीडियो कॉपीराइट आप लगा चुके हैं जिस वीडियो पे, उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो बेसिकली आपको सिंपली जाना है क्रिएटर स्टूडियो में। ये क्रिएटर स्टूडियो सिंपल वाला है, बीटा वर्जन नहीं है ये फिलहाल। बीटा में पता नहीं, कभी बीटा हम ट्राई नहीं किया इसलिए हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन बीटा नॉर्मल में जो पुराना वाला था ये वाला क्रिएटर स्टूडियो, इससे बेसिकली आपको जाना है वीडियो मैनेजर पे। और यहाँ पे सबमिट रिट्रैक्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे वीडियो का लिस्ट आएगा, और अगर आप कॉपीराइट किसी पे लगा चुके हैं और उसका हटाना चाहते हैं, अगर वो आपको रिक्वेस्ट करेगा और आपका मन बदल गया मान लीजिए, तो अगर आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा वीडियो का लिस्ट आएगा जिस पे आप कॉपीराइट लगा चुके हैं, उस वीडियो को सिंपली सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर रिट्रैक्ट क्लेम लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है, वो कॉपीराइट हट जाएगा उसके बाद। तो यही था, हम आपको हटाना भी सिखा दिए और जो है सो लगाना भी सिखा दिए। तो इस उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एक लाइक तो बनता है भाई इस वीडियो पे। और इसी के साथ आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़।